ডাউকি যাওয়ার রাস্তাটা একবার দেখো, পুরো কুয়াশায় ভরে গেছে। মেঘালয়ের বৃষ্টির দিনে রাস্তার অবস্থা এরকম হয়েছে। We have reached Dauki Lake. ওই জায়গাটা হচ্ছে বাংলাদেশ। কিন্তু একটা জিনিসের আফসোস হচ্ছে। Good morning from Shillong and welcome to our Meghalaya Arunachal series episode 4. It's already 7:37 AM in the morning and we are all set to leave. We just have to mount the luggage on our bike and we will leave for a new destination and new adventure. दो कैरेक्टर जुड़ने वाले हैं गुवाहाटी से हमारे साथ और इस ब्लॉग को मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। नमस्ते सत श्री अकाल वालेकुम अस्सलाम वालेकुम केम छो वेलकम बैक टू उनका यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जोगो और आप लोग देख रहे हैं दिस इज मोटो वेंचर यूट्यूब चैनल। तो हमारे लॉन्डे यहाँ पर नहा रहे हैं, लॉन्डे दो लॉन्डे दो लॉन्डे पानी खत्म हो गया तो लॉन्डे नहा रहे हैं यहाँ पर इन देशी स्टाइल। ओके, उसके बाद तो भाई गोप्रो ने हमारा ही काट दिया क्योंकि पूरा दिन का ऑडियो ही गायब। तो कोई ना, आपका भाई आपका होस्ट है ना, वही आप लोगों को वर्चुअली पूरा कहानी समझाएगा उस दिन का। तो लगभग 10:30 बजे हम लोग भगवान का नाम लेके अपना राइड स्टार्ट किए। शिलांग को आखिरी बार एक बार जी भर के देख लिया और उस दिन का वेदर इतना अच्छा था, सूरज चाचू ने बोले दिया था बेटा आज तुम्हारा पीछा हम कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शिलांग का ट्रैफिक कहाँ हमारा पीछा छोड़ने वाली थी, बस फंस गए ट्रैफिक में। ट्रैफिक से निकल के जब हम लोग उमियम रिवर पे पहुंचे, आसपास का व्यू देख के भाई राइड का असली मजा आने लगा। दोस्तों ये जो रोड आप लोग देख रहे हो, इस रोड का नाम है जीएस रोड, जो कि आसाम और मेघालय को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। राइड के बीच में जगन्नाथ और दिवाकरेर बाइकेर चेन प्रॉब्लम दिच्छिलो, तो हम लोग आसाम जाके एक शॉप में रुके। उन लोगों का चेन लूज हो जा रहा था बार बार, तो हम लोगों ने टाइट करवा लिया और उसके बाद हम लोग निकल गए। और जोराबाट में हम लोगों को मिल गया हमारे ट्रैवल सीरीज के दो नए किरदार, जो कि ट्रेन से गुवाहाटी आए थे स्पेशली हमारे अरुणाचल सीरीज के शान बढ़ाने। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों से स्वागत कीजिए हमारे ट्रैवल सीरीज के सातवें किरदार का, जिनका नाम है मिस्टर अनिर्बान चाकी। एंड ही इज राइड एप्रिला स्ट्रॉम 1-5। अभी बारी है हमारे ट्रैवल सीरीज की आठवें किरदार का, जिनका नाम है शुभंकर देव बर्मन। पता है काफी बड़ा नाम है लेकिन शॉर्ट में हम इनको एसडी बुलाते हैं। तो ये हमारे पिलियन रहने वाले हैं, तो हम आठ बंदे इसके बाद का राइड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमने लंच किया इस होटल से और निकल गए भालुकपोंग की ओर, जो कि अरुणाचल का बॉर्डर है। लेकिन उससे पहले हमको तेजपुर क्रॉस करना था और तेजपुर तक का रोड इतना भी अच्छा नहीं था भाई। और एक बात, अगर आप लोग इस रोड पे बाइक चला रहे हो तो भाई रोड के आसपास में बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, रोड के बीच में भी आ जाते हैं, तो वो थोड़ा देख के चलाना। तो आखिर में लगभग 7:30 बजे हम लोग तेजपुर पहुंचे और तेजपुर से भालुकपोंग तक का जो रोड था वो रोड बहुत बढ़िया था। थोड़ा स्कैरी था लेकिन आपके साथ जब आपके साथ दोस्त हो तो काहे का डर भाई। तो आखिर में हम लोग भालुकपोंग पहुंच गए। लगभग उस दिन हम लोगों ने 280 किलोमीटर कवर किया था, उसके बाद आप लोग खुद देख लीजिए।
तो भाई वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश। और अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं देख लो, 9:18 PM। अभी सामने होटल है, दिस इज़ द भालुकपोंग चेक पोस्ट। तो यहाँ पर अगर आप लोग अरुणाचल आ रहे हो तो सेम रूल है मेघालय की तरह, अगर अभी तक आपका डुअल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो आपका आरटीपीसीआर लगेगा, और आपका डुअल वैक्सीनेशन अगर हो चुका है तो आपका कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ डुअल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लगेगा, सही है। और यहाँ पर आपका बाइक का आरसी बुक और आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जीरोक्स देना पड़ेगा। तो वो लोग रखेंगे नहीं, वो लोग लौटा देंगे, सिर्फ देखेंगे वो लोग, सही है। तो दिस इज़ भालुकपोंग एंड वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश। दिस इज़ द थर्ड स्टेट वी हैव कवर्ड इन ए डे। पहले हम थे शिलोंग, उसके पहले हम थे सॉरी मेघालय, उसके बाद हम आसाम से होके हम लोग आ गए अरुणाचल। Episode 4 টাকে এখানে এন্ড করছি। আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান।